हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। संस्कृत में दो पार्ट आपके कंप्लीट हो गए, आज हम तीसरा पार्ट शुरू करेंगे। तीसरे पार्ट का नाम है स्वावलंबन। स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भरता। यह एक कहानी है जो दो दोस्तों के बारे में है, जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त को आत्मनिर्भरता के बारे में बताता है। क्योंकि एक जो मित्र होता है वो क्या होता है, मतलब धनवान होता है, और एक गरीब होता है। तो फिर उन दोनों का आपस में घर आना जाना होता है, और उसके बाद में जो धनवान मित्र होता है उसे अपने गरीब दोस्त से स्वावलंबी बनने की शिक्षा मिलती है। तो हम पाठ में देखेंगे कि क्या होता है। तो इस पाठ के मैंने शब्दार्थ बोर्ड पे लिखे हैं, ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। देखते हैं, आस्ताम। आस्ताम मतलब थे, समृद्ध है, धनवान। सर्वविधानी सभी प्रकार के। स्तंभा मतलब खम्भे। प्रकोष्ठेसु मतलब कमरों में। गवाक्षः मतलब खिड़कियाँ। द्वाराणी दरवाजे। फिर है विद्युत व्यजनानी। विद्युत व्यजनानी मतलब बिजली के पंखे। आडंबर विहीनम मतलब दिखावों से रहित। नववादने 9 बजे। अगच्छत गया। स्वशक्तियाँ मतलब अपनी हैसियत के अनुसार। अब इधर देखते हैं, अकुर्वन। अकुर्वन मतलब किया। भवताम आपके। इदमेव यही। भृत्य है मतलब नौकर। ममा भी मतलब मेरे भी। श्रोत्रे मतलब कान। जाता हुई। महती मतलब बहुत अधिक। सार्ध साढ़े। द्वादश 12। वादनम मतलब बजे। तो सार्ध द्वादश वादनम मतलब 12:30 बजे। तो ये आपके इस पार्ट के शब्दार्थ हैं। आपकी बुक में तो बहुत सारे दे रखे हैं, बुक में तो हर एक वर्ड का हिंदी अर्थ दे रखा है, पर मैंने जो कठिन शब्दार्थ हैं वो बोर्ड पे लिखे हैं। आप एक बार जो शब्दार्थ दे रखे हैं सारे शब्दार्थ को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और ये जो कठिन शब्दार्थ बोर्ड पे लिखे हैं ये आपको अपनी नोटबुक में करना है और याद भी करना है। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। हम आ जाइए पेज नंबर 14 पे, 14 पे। पाठ 3, स्वावलंबन आत्मनिर्भरता। तो शुरू करते हैं। पहला, श्री कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। तो आस्ताम मतलब थे, तो श्री कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दोनों दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध है आसीत। तो श्रीकंठ के पिता क्या थे, धनवान थे, संपन्न थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन। अतः तस्य मतलब उसके, भवन भवने मतलब भवन में, सर्वविधानी मतलब सभी प्रकार के, सुख साधनानी मतलब सुख के साधन जो होते हैं वो, आसन मतलब थे। तो उसके पिता समृद्ध थे, इसीलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने 44 स्तंभा आसन। तस्मिन् मतलब उसके विशाले भवने, विशाले मतलब बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा, ठीक है, उसके बहुत बड़े भवन में 44 मतलब 40, स्तंभा मतलब खम्भे, आसन मतलब थे। तो उसके घर में, उसके लंबे चौड़े घर में 40 खम्भे थे, उसके लंबे चौड़े भवन में 40 खम्भे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेसु 50 गवाक्षः 44 द्वाराणी 37 विद्युत व्यजनानी च आसन। तस्य मतलब उसके, 18 मतलब 18, प्रकोष्ठे मतलब कमरों में, 50 मतलब 50, गवाक्षः मतलब खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिशत मतलब 44, द्वाराणी मतलब 44 दरवाजे, और षट्त्रिशत मतलब 36
कहते हैं उसमें विद्युत व्यजनानी, मतलब बिजली के पंखे थे। तो उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र मतलब वहाँ, 10 मतलब 10, सेविका मतलब नौकर, निरंतरम मतलब लगातार, कार्यम मतलब कार्य, कुर्वन्ति स्म मतलब करते थे। तो वहाँ 10 नौकर लगातार काम करते थे। परम कृष्ण मूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परम मतलब परंतु, कृष्ण मूर्ति के जो माता पिता थे वो गरीब किसान दंपति थे। तस्य गृहं आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत। तस्य मतलब उसका, गृहं मतलब घर, आडंबर विहीन मतलब दिखावों से रहित, साधारणंच मतलब साधारण, आसीत मतलब था। तो कृष्ण मूर्ति का घर, जो कृष्ण मूर्ति के माता पिता क्या थे, गरीब किसान दंपति थे, उसका घर दिखावों से रहित और साधारण था। तो इन लाइनों में क्या कहा गया है कि कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे, श्रीकंठ के पिता धनवान थे, इसीलिए उसके भवन में या घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उसके उस विशाल भवन में 40 खंभे थे और 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। वहां 10 नौकर लगातार काम करते थे। लेकिन जो कृष्ण मूर्ति के माता पिता थे वो क्या थे, गरीब किसान दंपति थे और उसका घर जो था वो दिखावों से रहित और क्या था, साधारण था। अब हम देखेंगे सेकंड गद्यांश। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहं अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तो तत्र मतलब वहाँ, कृष्णमूर्ति तस्य मतलब उसके माता पिता च स्वशक्त्या, स्वशक्त्या मतलब अपनी हैसियत के अनुसार या अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम, अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। तो एक बार श्रीकंठ अपने मित्र के साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। तो वो क्या कहता है कि मित्र, मैं तुम्हारा आतिथ्य सत्कार देकर संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव ग्रहे एको अपि भृत्यः नास्ति। केवलम इदमेव, इदमेव मतलब यही या यह ही, मम मतलब मेरा, दुखम मतलब दुख, यत मतलब कि, तव मतलब तुम्हारे, ग्रहे मतलब घर में, एको भी मतलब एक भी, भृत्यः मतलब नौकर, नास्ति मतलब नहीं है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ, केवल यही दुख है मुझे कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जाता है। मेरे सत्कार में भवताम मतलब आपको, आपको बहुत कष्ट हुआ है। मम ग्रहे तु बहवः कर्म करा संति। मेरे घर तो बहुत सारे, बहवः मतलब बहुत सारे, कर्म करा मतलब काम करने वाले, तो मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं या नौकर हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एक बार श्रीकंठ
कृष्ण मूर्ति के साथ उसके घर जाता है सुबह कब 9 बजे। तो वहाँ कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उसका सत्कार करते हैं। यह देखकर श्रीकंठ कहता है कि मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ, मेरी केवल यही पीड़ा है कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है। मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, मेरे घर तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब तीसरा तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत। तब कृष्णमूर्ति कहता है, मित्र ममापि अष्टौ कर्म करः सन्ति। मित्र मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। ते च द्वो पादो द्वो हस्तो द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति। तो वो क्या बताता है कि वो कौन है, द्वो पादो मतलब 2 पैर, द्वो हस्तो मतलब 2 हाथ, द्वे नेत्रे मतलब 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे मतलब 2 कान हैं। तो कहता है कृष्णमूर्ति बोला, मित्र मेरे भी 8 काम करने वाले हैं, वो हैं 2 पैर 2 हाथ 2 आँख और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, ये प्रत्येक क्षण मेरे सहयोगी हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तव भृत्य मतलब तुम्हारे नौकर, सदैव मतलब हमेशा, सर्वत्र मतलब सब जगह है, भवितुं मतलब तुम्हारे, न शक्नुवन्ति मतलब सक्षम नहीं है, परंतु तुम्हारे सेवक हमेशा सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन है। त्वं मतलब वो कहता है कि मित्र तुम तो अपने कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वो अनुपस्थित होते हैं मतलब जब जब भी वो नहीं आते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने मतलब स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत। श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जाता। तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है।
तो वो क्या कहता है कि तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं करने की इच्छा रखता हूँ या स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु अच्छा सार्धद्वादशवादनम मिदम कि अब अच्छा अब 12:30 बज गए हैं। साम्प्रतम गृहम चलामि अब घर को चलता हूँ। तो कृष्णमूर्ति उसको क्या कहता है कि मेरे भी 8 काम करने वाले हैं और वे कौन कौन हैं? 2 पैर 2 हाथ 2 आँख और 2 कान और ये प्रत्येक क्षण मेरे सहयोगी हैं, परंतु तुम्हारे सेवक सदा और सब जगह नहीं उपस्थित हो सकते हैं। तुम तो अपने सारे कार्यों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो, अगर जब कभी वो नहीं आते हैं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है अपने कामों को करने में। इसीलिए स्वावलंबन में तो हमेशा सुख होता है, कष्ट कभी नहीं होता, क्योंकि जब आप अपने काम खुद करते हो, किसी पे निर्भर नहीं करते, तो आपको कष्ट क्यों होगा? आपको जब जो जरूरत पड़ी आप वो काम कर लोगे। तो श्रीकंठ कहता है कि तुम्हारे इन बातों को सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। अब मैं भी अपने कामों को करने की इच्छा करता हूँ, मैं भी अपने काम स्वयं करना चाहता हूँ। वो कहता है कि 12:30 बज गए हैं, इसीलिए अब मैं घर को चलता हूँ। तो ये पाठ हमने पढ़ा, आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिली? हमेशा आत्मनिर्भर बनना चाहिए, कभी भी किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, आपको अपने काम स्वयं करने चाहिए। आप अपने घर पे भी देख लो, बहुत सारे काम होते हैं जिन पर आप अपनी मम्मी पे डिपेंड रहते हो। कुछ भी काम हुआ, आपको कपड़े निकाल के देने हो या आपका वर्क करवाना हो, खाना खिलाना हो, खाना डालना हो, सब कामों के लिए सुबह जल्दी उठाना हो, तब आप सब काम किस पे डिपेंड करते हो? अपनी मम्मी के लिए। तो आपको कम से कम अपने काम तो अपने आप से करने चाहिए। आप अलार्म लगा के सो, जल्दी उठ सकते हो, खुद नहा लो आराम से, खाना अपने आप लेके खा सकते हो, मम्मी बना रही है ना, आप लोग अपने आप थाली में लेके अपने आप बैठ के खा सकते हो, अपने कपड़े अपने आप ले सकते हो, अपना बैग जगह पे रख सकते हो, अपनी किताबें बैग में डालकर आराम से रख सकते हो, इधर उधर फैलाना नहीं है। जो भी आपने कचरा किया है आप वहाँ से सफाई कर सकते हो। तो क्या है, आपको अपने कामों के लिए स्वयं आत्मनिर्भर बनना है, स्वयं पर निर्भर करना है, आपको दूसरों पर निर्भर नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने काम स्वयं करने चाहिए। ठीक है, तो अब से आप ध्यान रखना। अब आगे हम देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर। तो आ जाओ पेज नंबर 16 पे। अभ्यास में आपके पहले तो उच्चारण वाला प्रश्न है, वो आपको करना है। उसके बाद प्रश्न 2 है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है, कश्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सभी प्रकार के सुख थे? श्रीखंड के घर में थे ना, तो कश्य की जगह आप क्या लिखोगे? श्रीखंठस्य। और फिर पूरा प्रश्न लिखोगे, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। ठीक है, तो कश्य की जगह उत्तर लिख के बाकी पूरा प्रश्न ऐड करोगे। ख है, कश्य ग्रहे कोऽपि भृत्य नास्ति, तो कृष्णमूर्ते, तो आ जाएगा कृष्णमूर्ते ग्रहे कोऽपि भृत्य नास्ति। ग है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन, तो श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किन्होंने किया था? उसके माता पिता ने और श्री कृष्ण मूर्ति ने किया ना, तो इसमें आ जाएगा कृष्ण मूर्ते है पित्रो, तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्ण मूर्ते पित्रो अकुर्वन। ठीक है, और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, श्री कृष्ण मूर्ते तस्य माता पिताश्च। ठीक है, उसके बाद आप ऐड है क्वेश्चन, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ते है ग्रहम कदा आगच्छत, श्रीखंड कृष्ण मूर्ति के घर कब गया था? तो कब गया था? प्रातः 9:00। तो कदा की जगह ये उत्तर लिख के क्वेश्चन ऐड कर लेना। फिर है कृष्ण मूर्ते है कति कर्म करा संति,
कृष्ण मूर्ति के कितने काम करने वाले थे, कितने नौकर थे? तो 10 थे क्या या 8 थे? कितने नौकर थे? सॉरी 10 थे ना, तो यहाँ आप क्या लिखोगे? दश है। दश है, ठीक है। अरे सॉरी, कृष्ण मूर्ति क्या पूछा है? श्रीकंठ के घर पे 10 थे, कृष्ण मूर्ति के कितने थे? अष्टौ, ये सही है, अष्टौ, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्रश्न 3 में चित्र देख के आपको यहाँ लिखना है। तो पहला देखिए इसमें कितने हैं, 18 है, तो 18 को इंग्लिश संस्कृत में, सॉरी संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टादश, अष्टादश। और ये गुड़िया है, तो गुड़िया को क्या कहते हैं संस्कृत में? वस्त्र पुत्रिका, मतलब गुड़िया या फिर कठपुतली हो उसको संस्कृत में कहते हैं वस्त्र पुत्रिका। अष्टादश वस्त्र पुत्रिका।
ठीक है, उसके बाद है फुटबॉल है आगे, तो कितनी है ये, 21 है। 21 को क्या कहते हैं, एक विंशति, और फुटबॉल को संस्कृत में कहते हैं पद कंदुकेन, तो यह आ जाएगा एक विंशति ही पद कंदुकेन। फिर है 15 टेबल्स हैं, टेबल्स को संस्कृत में कहते हैं उत्पीठिका, तो आ जाएगा पंचदश उत्पीठिका। फिर है यहाँ पर है 36 मोमबत्तियाँ, ठीक है, तो 36 को कहते हैं षट त्रिशत, और मोमबत्तियों को कहते हैं सिक्थ वर्तिका, तो यहाँ आ जाएगा षट त्रिशत सिक्थ वर्तिकाणी। फिर है यहाँ पर 24 आम है, तो 24 आम है, तो 24 को कहते हैं चतुर्विंशति, और आम के लिए क्या आ जाएगा, आम्रम। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर 33 किताबें हैं, तो 33 को त्रैत्रिंशत, और किताबों को पुस्तकानी, त्रैत्रिंशत पुस्तकानी। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न 4, तो यहाँ पर गिनती लिख रखी है, आपको इन बॉक्स में से ऊपर में से यहाँ लिखना है, तो 28 के लिए क्या आएगा, अष्टाविंशति, 27 सप्तविंशति, 30 त्रिंशत, 31 के लिए आएगा एकत्रिंशत, 24 के लिए चतुर्विंशति 24 के लिए, 40 के लिए आएगा चतुर्विंशत, 50 के लिए पंचाशत। उसके बाद में आपके तीन फोटो दे रखी है, पहले में एक किसान है, फिर दो किसान है, और तीसरे में दो से ज़्यादा है, तो कह के फोटो देकर आपको वाक्य बनाना है। अगले पेज पर आपको इसके कोष्टक में शब्द भी दे रखे हैं, इन शब्दों की सहायता से वाक्य बनाना है। तो पहला जो फोटो है उसमें लिखोगे आप, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, एक किसान खेत जोत रहा है। दूसरे फोटो में दो किसान है ना, तो क्या, और वो क्या कर रहे हैं, खोदने का काम कर रहे हैं, तो आएगा एतौ कृषकः खनन कार्यम कुरुतः, ये दो किसान खोदने का काम कर रहे हैं। फिर बहुत सारे हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो आ जाएगा बहुवचन एते, तो एते कृषकः, और वो क्या कर रहे हैं, धान रोप रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा, एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति, धान्यम रोपयन्ति। ठीक है, रोपयन्ति। फिर आ जाओ नेक्स्ट पेज पे देखो, ये बॉक्स दे रखा, उससे चूज करके वाक्य बनाया है। उसके बाद में आपको समयवाचक अंकों को शब्दों में लिखना है, संस्कृत में समय कैसे बताते हैं, जैसे एग्जांपल दिया है 10:30, 10:30 को संस्कृत में कहते हैं सार्ध दश वादनम, तो जैसे 10:30 को कहते हैं सार्ध दस वादनम, वैसे ही 5, 7 इन सब का बताना है, तो 5 बजे को कहते हैं पंचवादनम, 7 को सप्तवादनम, 3:30 को कहते हैं सार्ध तिरवादनम, 2:30 बजे को कहते हैं सार्ध द्विवादनम, 9 नववादनम, 11 को एकादश वादनम, 12:30 को बोलेंगे सार्ध द्वादश वादनम, 4:30 सार्ध चतुर्वादनम, 8 बजे को अष्टवादनम, 1:30 बजे को सार्ध एकह वादनम, और 7:30 को बोलेंगे सार्ध सप्तवादनम, सार्ध का मतलब होता है 30। तो ये आपका टाइमिंग बता दिया मैंने।
उसके बाद ब्लैंक फिल करनी है, ठीक है। ये ऊपर दे रखे हैं इनके हिसाब से। तो ऋतवा भवंती, ऋतुएं कितनी होती है? छः। छः को कहते हैं षड। मासाह भवंती, महीने कितने होते हैं? बारह। बारह को कहते हैं द्वादश। और एक महीने में कितने दिन होते हैं? तीस या इकतीस होते हैं, तो तीस को कहते हैं त्रिंशत और इकतीस को कहते हैं एक त्रिंशत दिवसा भवंती। फरवरी माह से सामान्यतः, फरवरी महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? अट्ठाईस होते हैं ना, अट्ठाईस को संस्कृत में कहते हैं अष्टाविंशति। फिर है मेरे शरीर में कितने, मेरे शरीर में हाथ हैं, तो हाथ कितने होते हैं? एक शरीर में दो होते हैं, तो हाथ के लिए आ जाएगा द्वो। ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हो गए। अब देखते हैं हम अतिरिक्त अभ्यास। इसमें टिक द करेक्ट में देखो, कृष्णमूर्ति ही कश्य मित्रम आसीत। कृष्णमूर्ति किसका मित्र था? तो आ जाएगा श्रीकंठस्य। दूसरा है श्रीकंठस्य पिता की दशा आसीत। श्रीकंठ के पिता कैसे थे? तो धनवान थे, तो आ जाएगा इसमें ब समृद्ध है। तीसरा है कश्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानि अस्ति। तो श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे, तो आ जाएगा श्रीकंठस्य। विशाले पदे का विभक्ति, विशाल शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें क्या आ जाएगा? विशाले पदे विभक्ति अस्ति, विभक्ति इसमें आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति। फिर है कुर्वंती, इसमें इस पद में कौन सा लकार है? तो इसमें आएगा लंग लकार, मतलब भूतकाल से रिलेटेड है इसलिए। फिर है अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न में कृष्णमूर्ति मित्रस्य किम नाम आसीत्? कृष्णमूर्ति के मित्र का क्या नाम था? तो उसका नाम क्या था? श्रीकंठ। श्रीकंठस्य भवने कति प्रकोष्ठः आसत्? श्रीकंठ के घर में कितने कमरे थे? 18, तो अष्टादश। श्रीकंठाय कस्य वचनानि प्रेरणादायकम् अभवत्? श्रीकंठ के लिए किसके वचन प्रेरणादायी थे? कृष्णमूर्ति के, तो आ जाएगा कृष्णमूर्ति ने। सत्कारेण इति पदे का विभक्ति? सत्कारेण पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति एक वचन। फिर है दृष्ट्वा इति पदे का प्रत्यय? तो दृष्ट्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। इसको अलग करें तो दृश प्लस कत्वा प्रत्यय। फिर है लघुत्रात्मक प्रश्न में है कृष्णमूर्ति है ग्रहम की दृशम आसित। तो कृष्णमूर्ति का घर कैसा था? तो इसके लिए आ जाओ आप पेज नंबर 14 पे, जहाँ पर पाठ शुरू हो रहा है ना, वहाँ आ जाओ। और वहाँ आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है इसका आंसर? तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसीन, तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिशत् स्तंभः आसन, तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु पञ्चाशत् गवाक्षः चतुश्चत्वारिशत् द्वाराणि षट् त्रिंशत् विद्युत् व्यजनानि च आसन, तत्र दश सेवकाः निरन्तर कार्यं कुर्वन्ति स्म। तो यह है लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न, ठीक है। फिर प्रश्न दो है, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किन्होंने और किस प्रकार किया था? इसका भी पेज नंबर 14 पे ही है, तो इसका आ जाएगा यहाँ से। कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। यह है लघुत्रात्मक का दूसरा, ठीक है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न है, उसमें आत्मनिर्भरता में तो हमेशा सुख ही होता है, इन वचनों को सुनकर श्रीकंठ क्या बोला था? तो उसके लिए आप आ जाओ पेज नंबर 15 पे, पेज नंबर 15 पे आपको लिखना है यहाँ से। तो लघुत्रात्मक का तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपके लघुत्रात्मक के प्रश्न, तीन प्रश्न हो गए।
फिर देखिए चौथा प्रश्न है, तेन सह गृहम अगच्छत, वह उसके साथ घर गया। तो तेन पदे प्रयुक्तम विभक्ति ही कारणम च लिखत। तो इस पद में तेन पद में विभक्ति और कारण लिखना है। तो तेन पद में विभक्ति कौन सी है? तृतीय विभक्ति। और क्यों है तृतीय विभक्ति? क्योंकि यह किसी की सहायता से घर जा रहा है ना, तो करण कारक है इसमें, इसीलिए। तो आप लिखना इसमें करण कारक है, क्योंकि यह किसी की सहायता से घर जा रहा है। तो सहायता किसकी ले रहा है? ये अपने मित्र की सहायता ले रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति आएगी, क्योंकि यह किसी की सहायता से उसके घर जा रहा है इसलिए। फिर है पांचवा है विशाले भवने। इस पद में विशेषण और विशेष्य बताना है। तो इसमें विशेषण क्या है? विशेष विशाले, और भवने क्या है? विशेष्य। फिर आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे श्रीखंड के घन का वर्णन करना है। ये वाला प्रश्न कट कर लो, ये आपके आ गया है लघु उत्तरात्मक का पहला प्रश्न जो है। फिर प्रश्न दो है कृष्ण मूर्ति ही श्रीखंडम स्वावलंबन विषय केन प्रकारेण अबोधयत। तो कृष्ण मूर्ति ने श्रीखंड को स्वावलंबन के विषय में किस प्रकार से समझाया? तो इसके लिए आ जाओ आप वापिस पेज नंबर 15 पे। पेज नंबर 15 पे देखिए, जो तीसरा गद्यांश है उसमें लिखना है कृष्ण मूर्ति अवदत्त से लेकर कस्टम भवती तक। यह है निबंधात्मक का दूसरा, ठीक है। कृष्ण मूर्ति अवदत्त मित्र से लेकर, यह पैराग्राफ खत्म हो रहा है, स्वावलंबन तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टं भवति। तो यहाँ तक है निबंधात्मक का दूसरा। फिर तीसरा है स्वावलंबन, पाठ का सार हिंदी में लिखना है। तो वो आइए कहानी आपको अपनी लैंग्वेज में करनी है। तो ये हो गए आपके पाठ तीन के प्रश्नोत्तर, ठीक है। इसके नीचे आपको ध्यान में रखने के लिए भी ये दे रखी है, तो आपको ये अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो अब आपको नोटबुक में क्या क्या वर्क करना है तो वो मैं बता देती हूँ। तो नोटबुक में आपको क्या करना है, प्रश्न दो, प्रश्न चार, प्रश्न पाँच, और फिर नेक्स्ट पेज पे आओ। नेक्स्ट पेज पे प्रश्न छः, प्रश्न सात, ठीक है। और अतिरिक्त लघु उत्तरात्मक में अति लघु उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक, और नेक्स्ट पेज पे ये जो निबंधात्मक प्रश्न है ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। तो सुंदर सुंदर राइटिंग में अपना वर्क करना और अच्छे से याद भी करना है। तो ये आपका पाठ तीन स्वावलंबनम आत्मनिर्भरता कंप्लीट हो गया है।